मेरी हेलमेट भी तुझे मिस करेगी। राइट बड़ी गोरी लग गई है, और बात करते करते देखो बेचारी को आंसू भी आ गए, इतना मिस कर रही मुझे। जाते जाते इम्पोर्टेंट बातें बता रही है मुगड़ी आपको, जा रही है फिर। ओके बाय बाय, गुड मॉर्निंग जेरी बॉय फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। दिस इज मी योर जेरी बॉय, इफ यू डोंट नो नाउ यू नो। और आज है हमारे साथ भाई इंटॉर्क, जाने की राहुल की जान। राहुल भाई घर गया, वो अपने वो घर से आने का नाम नहीं ले रहा है, उसको मैं बोल रहा हूँ कब आना, और वो भी मुझे परफेक्ट नहीं बता रहा, उसको थोड़ा सा बेचारे को काम है घर पे, तो फिर इसलिए वो अभी आ नहीं पा रहा, लेकिन वो भी जल्दी आ जाएगा। आज हम स्कूटी लेके जाने वाले हैं भाई, और बड़े दिनों से मैंने आपको चाय से भी नहीं मिलवाया, तो आपको मैं चाय से भी मिलवाता हूँ, देखते हैं क्या कर लिया। शर्त लिखा लो बुनरी होगी। हाँ जी मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ पहले एक मस्त से प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है मामा अर्थ। मामा अर्थ का चारकोल फेस वॉश है विद एक्टिवेटेड चारकोल एंड कॉफी। ठीक है भाई, जैसे कि आप सभी को पता ही है मैं सारा दिन धूप में घूमता हूँ, बाइक्स पे घूमता हूँ, तो ना मेरी ना स्किन वैसे तो ऑयली है, बहुत ऑयली स्किन है मेरी, ऑयली रहती है हमेशा, और उसके साथ साथ ना मतलब धूल में घूमना है मेरी स्किन डल हो जाती है, और उसके साथ साथ मेरी ना ब्लैक हेड्स भी बहुत हैं। ठीक है ना, तो पहले मैं इसको यूज करके आता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। ओके लेट्स गो। तो सबसे पहले आपने अपने फेस को वॉश कर लेना भाई, गीला कर लेना है, उसके बाद हैंड पे थोड़ा सा फेस वॉश लेना है, और फेस पे ना सर्कुलर मोशन में मसाज कर लेनी है अच्छे से, हर जगह कर लीजिए जहाँ जहाँ आपको लगता है कि फेस ऑयली है या कुछ कर लीजिए, फिर उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिए भाई, और उसके बाद देखिए कि आपको क्या फ़र्क है। मैं बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है एक्टिवेटेड चारकोल, कॉफ़ी, एलोवेरा। एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो हेल्प करता है आपकी स्किन से ऑयल निकालने में, ब्लैक हेड्स निकालने में, और क्लॉड पोर्स निकालने में, और कॉफ़ी जो होती है वो रिमूव करती है डेड स्किन सेल्स और वर्क करती है स्किन रिजुविनेशन के लिए। एंड गाइस दिस इज आल्सो फॉर पोल्यूशन डिफेंस फार्मूला, कंट्रोल ऑयल, अनलॉक पोर्स, डिटॉक्सिफाइंग स्किन, सुइटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। एंड गाइस एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम, मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू द ट्री दैट दे प्लांट। बाय 2025 मामा अर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज एज ए पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। और जैसे कि आपको पता ही है कि ये कहीं पे भी अवेलेबल है, अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट और पर्पल पे भी, जहाँ तक कि इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी है ही है, लेकिन आप अपने किसी भी नज़दीकी स्टोर से भी ये खरीद सकते हो भाई जाके। प्लास्टिक पॉजिटिव प्रोडक्ट है और बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं भाई इनके। तो भाई अभी आप मेरी स्किन देख सकते हो, ऑयल फ्री लग रही है और अच्छी लग रही है भाई, हेल्थी लग रही है। और आप सभी को पता ही है जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स होते हैं भाई, वो हमारा इंडियन ब्रांड है और ये प्लास्टिक पॉजिटिव प्रोडक्ट है भाई, और इसमें कोई भी केमिकल हार्मफुल चीज़ें नहीं होती हैं, ये आप सभी को पता ही है। और आप ये कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, नाइका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पर्पल, और यहाँ तक कि इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट भी और ऑफिशियल एप्लीकेशन भी जो है वो आ चुकी है, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप इनके एप्लीकेशन से ऑर्डर करते हो तो आप मेरा अगर कोड यूज़ करते हो Jerry2023 तो आपको भाई 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा, लेकिन ये कोड इनके एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल होगा और किसी एप्लीकेशन पे अवेलेबल नहीं होगा। अगर आपकी स्किन भी ऐसी चीज़ों से फेस कर रही है तो भाई ऑर्डर करो और अपनी स्किन को अच्छा बना लो भाई। थैंक यू। हाँ जी बड़ी गोरी लग गई क्रीम लाई दी है, बड़ी ग्लोइंग स्किन लगाई है जी। तू नहीं दी थी वो लाई है। अच्छा दंद बुलाने चाहिए थे, अगले दो दंद दंद लाने पड़ने थे, ये शैल लगती है जी। क्रीम वाला ले तेरी रजी गई है, करे स्माइल, स्माइल करे थोड़ी जी, स्माइल करे थोड़ी जी, दंद लवाने नगली हूं थोड़े चाहिए, फिर चाय अच्छी लगेगी। तो फिलहाल के लिए आज चाय का सूट भी लाना भाई, दंद लवाने नगली सुनने दंद लवाने चाहिए। क्या गाइस सुनने लोचा या दुए लोचा, पीतल दे लोचा या
ਸਟੀਲ ਦੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਦੰਦ ਲਾਉਣੇ ਆ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲਾਈ ਦਿੰਨੇ ਆ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲਾਵਾਂ ਕੋਈ ਲੋਹਾਰੇ ਕੋਲ ਆਹੋ ਤੇ ਲੋਹੇ ਕੇ ਲਗਾ ਦੇਗੇ ਭਾਈ ਤੇ ਟਕ ਟਕ ਟਨ 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 ਅੱਜ ਕੋਦੀ ਇਹ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਦੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬਣੀ गाइस मेरी भी बन गई है आपको दिखाऊंगा मैं अगली सर्दियों में जब डालूंगा अभी वो सर्दी है हमने टोपी लाई सी हैं मैं बताऊंगा आपको वाइट कलर की आहा क्या बनाई है चाइने ओए होए 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 आओ चलते फिर सीढ़ी पे चक्कर लाइए चल जाना पहले चक्कर ला लेना चल चल चलते अड़ी हैं जाना चल चल उठ चिट्टे की चाहिए की कितना जाना चिट्टे तो जानिए कितने ना मैं चिट्टे ही इन गाय लाइए कलर निकेरे कापी लगी जिंदा ब्याह कर लेना बाकी जल्दी ही शादी की डेट फिक्स करेंगे लड़की ढूंढो और आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड है ब्याह करने के लिए तो कमेंट करके बता दो 4 लाख दस हथे जेबे थोड़ी पा रहा है कौन चाहे उठना चलो अभी क्लास के निकलते आज भाई मुगड़ी भी जा रही है तो इसलिए मैं स्कूटी लेके आया हूँ क्योंकि सामान थोड़ा सा रखना ना उसने आगे तो फिर बाइक पे सामान नहीं आता तो अभी रेडी तो हो चुका हूँ तो अभी बैग लेते हैं और निकलते हैं भाई सीधे मिलते हैं आपको क्लास के बाद चलो भाई क्लास से फ्री हो चुका हूँ मैं और अभी मुझे जल्दी जल्दी से जाना है भाई जानीपुर जानीपुर क्यों जाना आप सभी को पता ही है भाई भाई मुस्कान की ना कैब है जल्दी जल्दी है कैब उसकी और जल्दी आ जाएगी तो उसको यार बाय बाय बोल देता हूँ मैं फिर ऐसे ओहो मैं कहा अगर मैं लेट हो गया तो फिर उसको बाय बाय भी नहीं बोल पाऊँगा तो जल्दी जल्दी से इसको गुड बाय बोल के आते हैं इंटॉर्क है भाई चला लेंगे काम इससे और ना मेरे को जुकाम है ना जा ही नहीं रहा है मेरी नासें ना बंद हो गई हैं देखो अंकल अंकल देखो ये ऐसे अंकल जो सड़कों के बीच में आते हैं ना इन्होंने भी एक अलग लेवल की इनकी डैल होती है भाई भाई पहले पहले ना मेरी लाइफ में दो वो होते थे कि एक कुत्ता और एक छोटा बच्चा इन दोनों का ध्यान रखना ठीक है रास्ते में जब भी निकले लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ भाई एक तीसरा और ध्यान रखना है एक अंकलों का ठीक है ये कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं भाई ये अंकल होते हैं ना जो अंकल बुजुर्ग अंकल ये कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं कोई पता नहीं है क्या पता आप थोड़ी सोल स्लो ही चल रहे हो लेकिन फिर भी कहीं से प्रकट हो जाएंगे और ठा हो जाएगा अकड़ी चकुला ठा हो जाएगा तो इन चीज़ों से थोड़ा सतर्क रहें 3 चीज़ों से छोटे बच्चे कुत्ते और अंकल थैंक यू कभी कभी ऐसा होता भाई आपकी गलती भी नहीं होती है लेकिन फिर भी आप खामखा फंस जाते हो तो बस यही बातें हैं कि अगर यही चीज़ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आंखें खुली रख के चलाओ हमेशा गाड़ी बाइक जो भी आप चला रहे हो क्योंकि अगर अगले बंदे की भी गलती हो तो आप थोड़ा सा हैंडल कर लो थोड़ा सा कंट्रोल कर लो ठीक है ना मैं क्या जी किद्दा ठीक हो जी देखो भाई फुल तैयारियां चंडीगढ़ दियां नहीं हूँ मनते ये भी रख देता हूँ टेंशन नहीं ले आज नहीं मैं गिरने देता हाँ हाँ ओके और ओके
ओके कैब कहाँ आएगी? ओके बैठो जी। हेलमेट जरूरी है? मेरे घर के पास ना परसों चौथ ना एक बंदे की डेथ हो गई, उसने हेलमेट नहीं डाला था। अगर उसने यहाँ तक जा तू वहाँ तक जा, मैं रिस्क ले नहीं सकता भाई। उठ हेलमेट डाल। आप समझते नहीं हो, आपके लिए चीज़ें मजाक हैं, पहले मेरे लिए भी थी। ठीक है देख आज मैं इससे बाल नहीं खराब होंगे, ये वाली के साथ खराब नहीं होंगे, ये दूसरी है। जिंदगी जिंदगी चाहिए कि बाल चाहिए? हाँ 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 तोबा 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 तोबा। बैठ चल के, जिंदगी नहीं चाहिए बाल चाहिए। भैया एक अनार का और एक मिक्स। अब फिर से तो पिंकी बन के आई है पिंकी। मैं प्लान कर रहा हूँ चंडीगढ़ आने का ना, ठीक है? मुझे काम है एक दो चंडीगढ़, अगर वो काम सक्सेसफुल हो गए तो फिर मैं चंडीगढ़ आऊँगा, नहीं तो नहीं। बीमारी है, तूने कल की शराब पी है ना? शराब कम पिया करो ना, दारू पी के आ जाते हो आप मेरे साथ एक्टिंग मारने, ये थोड़ा ना चलता है। एक्टिंग भी मारी इतनी इतनी फोर्थ क्लास एक्टिंग मारी। फिर मेरी कैसी लगी? अच्छा मतलब पीती है तू? हिंदी में बोल पॉमीग्रेट। इधर भैया एक अनार का एक मिक्स। बियर फेस के लिए अच्छी होती है गाइस, बियर फेस के लिए अच्छी होती है, लेकिन आप लोग मत पीना। फेस के लिए नहीं अच्छी होती है, मैं बताती हूं। स्टोन वगैरह होता है ना पेट पे, हां मतलब बोलते हैं डॉक्टर, तो ज्यादा से हमें वाटर पीना, मतलब आधे से ज्यादा जम्मू को स्टोन है पेट में। वो अपनी सोच के लिए भी है भाई। तो चलो भाई जूस जास पी लिया, अभी चलते हैं, निकलते हैं जल्दी जल्दी, इसको कैब में उतारते हैं और फिर हम भी चल जाते हैं। पीछे कैसे करना, बैठ ही तू, हेमलेट डाल लेना हेमलेट। चलो जी चल ठीक है, फिर मुझे याद नहीं करना तू, ठीक है ज़्यादा? हाँ काम में मन लगा लेना, ऐसे ही कहीं मेरी यादों में रहेगी, ठीक है? याद मिस नहीं करना मुझे। मेरी हेलमेट भी तुझे मिस करेगी, तुझे रोज रोज कोसती थी ये मुझे, है रोज रोज कोसती थी, आज जा रही है। अभी आने वाली भाई गाड़ी इसकी इधर, उसका वेट कर रहे हैं हम। और फिर बाकी कुछ बोलना चाहेगी तू मेरी ऑडियंस को, जेरी बॉय फैमिली को कुछ जाते जाते? और बहुत सारे सारे व्यूज दो इसको। और बस कोई अच्छी बात बता के जा जाते जाते कोई। मैं तो ऐसे करूँ जैसे तूने कभी वापस आना ही नहीं है। पहले वापस भी आना और इसको अच्छे-अच्छे व्यूज दो, उसके बाद बस। कोई मोटिवेटिंग बात बोल जाना, क्या फालतू की बात है? लेकिन व्यूज व्यूज आए नहीं आए कोई चक्कर नहीं है, जिंदगी जीनी है, कोई व्यूज के पीछे थोड़ा ना रहना। नहीं वो तो मैं ऐसे ही नॉर्मल बोलता हूँ ना, कि अगर वो तो मैं नॉर्मल एक अपडेट देता हूँ लोगों को। अच्छा सीधे बोल, तेरे पास कोई बात ही नहीं है मॉडल। हाँ गुड नाइस नाइस। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर नहीं फॉर एग्जांपल कौन सी चीज़ें सीखते हैं? वो इंसान मुझे मार देगा, बट कुछ बैड इफेक्ट्स भी जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कौन सी ऐसी चीज़ सीखते हैं लोग जो नहीं सीखनी चाहिए? कुछ चीज़ें यार ऐसी, जैसे लाइक मैं एक अपनी एग्जांपल देती हूं, हम लोग ऐसे फ्रेंड व्लॉग बनाते हैं, ठीक है? हां मुझे नहीं लगता हमने कुछ भी शो ज्यादा किया होगा अपने व्लॉग में, ओवर एक जेलस दिखाया होगा। जेलस एक दोस्त में भी होता है, इवन कि मुझे सच में होता है कि मेरी कोई दोस्त लड़की भी हो ना, किसी और की दोस्त हो, मुझे वो जेलस होती है भाई वो उसको क्यों बुला रही है, ठीक है? तो ऐसे ही था, बट लोगों ने क्या बोल दिया, हाँ तुम शादी करो, तुम रिलेशनशिप में आ जाओ, हर किसी की राइट। बिल्कुल ये चीज मैं इनको बोलता हूँ तेरे बिना बोला, साहिल के साथ ब्लॉग में
किसी के साथ बनाऊंगी, बल्कि मैं अविनाश और इसके अलावा किसी के साथ बनाती हूँ। ठीक है। और ये मेरे आज के नहीं, बहुत टाइम से मेरे फ्रेंड है, ना ही ब्लॉगिंग के लिए मैंने इनसे फ्रेंडशिप की है ना ही ऐसा कुछ था। और क्या। ठीक है गाइस, लगी समझ। और बात करते करते देखो बेचारी को आंसू भी आ गए, इतना मिस कर रही है मुझे। ये देखो आंसू आ गए। अच्छा आईज ही ऐसी है। मतलब गाइस आप जो पहले वाली व्लॉग में देखा वो भी एक्टिंग थी, रोना नहीं था वो। मत समझो कि ये रोती है। इसकी आंखों में ऐसे पानी रहता थोड़ा थोड़ा। बस यही बात मैं कह रहा हूँ सबको, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना। ये बतानी है बात। ओहो देखा गाइस, इतनी जेन्युइन लड़की है कोई, इतनी ऑनेस्ट जो अपने बारे में सच बता रही है। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह इम्पोर्टेंट है भाई। देखो देखो जरूरी नहीं है, देखो हाँ तो ये भी देखता होगा कि जरूरी नहीं कि पढ़ाई है, पढ़ाई के बिना भी लोगों के पास दिमाग हो तो वहाँ पहुँच जाते हैं। और ऐसा भी है, बट स्टडी एक अपने क्वालिफिकेशन के लिए मस्ट होती है। एक क्वालिफिकेशन नहीं, एक मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको। स्टडी ना एक आपका बोलने का ढंग तरीका एक्सेंट से पता चल जाता है कि बंदा पढ़ा लिखा कि अनपढ़ा। ठीक है, तो इसलिए बस थोड़ा ये है कि थोड़ा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये बिल्कुल वो वीडियो जा रही है, चल रही है, देसी हैंगवार नहीं भाई, एक्सेंट होना चाहिए। पैसा तो चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा आप वे ऑफ टॉक अच्छा। जाते जाते इम्पोर्टेंट बातें बता रही है मुगड़ी आपको। चलो गाइज, अभी इसकी गाड़ी आ ही नहीं रही, कब आएगी गाड़ी तेरी, फोन करो उसको। चलो भाई आ गई गाड़ी इसकी, पकड़ पकड़ मैं ठहरता हूँ। सेवा इसी फाड़े, एक फड़ना मैं सेवा आई बड़ी तू। चल चल डिक्की खुलानी है। बाय बाय, ध्यान रखना। चलो गाइस जा रही है फिर, ओके बाय बाय, चलते हैं अभी हम भी। कोई ब्ला ब्ला ऐप कैब्स चल रही हैं भाई जम्मू में, ये हमको ले जाती हैं। कैब वाला सिस्टम वैसे ठीक लगा मुझे, मैं भी यही करके जाऊंगा अभी चंडीगढ़, अगर गया तो भाई। ठीक है, ब्लॉग्स के चक्कर में ना, सच बात कहूँ ना मैं आपको, मैं इतने दिन से ना ब्लॉग्स के चक्कर में ना जो खुद कुछ और प्लान्स है ना उनको ना डिले करे जा रहा था, तो अभी वो जो प्लान्स हैं उनको कंटिन्यू करते हैं भाई, क्योंकि जब तक ये नहीं आती ना, अब वो प्लान्स जो सारे सॉर्ट आउट करने हैं, जो कि मैं आपको ऐसे बोलता रहता हूँ कि सरप्राइजेज़ हैं आपके लिए, सरप्राइजेज़ हैं, पर ये टाइम ही नहीं लगता, सरप्राइज़ करें कैसे, टाइम ही नहीं लगता था, तो अभी करेंगे भाई।